चिकन करी, ये लेग देख रहा भाई, ये यही तो पार्टी में जा रही थी, मुझे नहीं मिली जगह, मैं यही आके खाऊंगा न्यू ईयर ईव पे। दलौटी कबाब्स, ये आप बात है, और ये हमें इतनी भूख लगी है, बढ़िया जैसे उन्होंने डाली पुराने उसके अंदर चीनी की रोटी, मजा आ गया। और एक लेग आता है, आप पवनीत इतने नान खाएगी, इतने नान खाएगी कि आपने कभी सोची ना होगी। वैसे थारा भाई जोगिंदर की लंग, थारा भाई, थारा भाई, थारा भाई, ये वही बात सही। ये तो क्या बात है, एक बात सही बोली है आगे कि लोगों का टाइम आता है, इसका जमाना चल रहा है। क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खा रहे हैं बस, अभी जा रहे हैं। तो भाई साहब आ गए हैं हम सफदरजंग, और सफदरजंग में लेकर आए आपको कहाँ पता है, एक ऐसी जगह, शायद यहाँ पर कोई एक एक बंदा होगा या शायद किसी ने ना खाया हो। कहाँ पर आए हम? राजेंद्र का ढाबा। यार है, कौन है? मिस्टर टिक्कू, क्या बात है भाई, मेहरबान, कदरदान, इज्जत दीजिएगा अपना ध्यान। तो भाई एक आज बार हमारे इसके साथ, भाई के एक साथ एक बार फिर से हम इकट्ठे आ गए हैं, और अब आपको दिखाने वाले हैं राजेंद्र के ढाबे पे क्या क्या है सबसे बढ़िया खाने का। वैसे पता है यहाँ मिलता तो बहुत कुछ है, बट लोग यहाँ पे आके सिर्फ इसकी गलौटी चिकन करी ही खाते हैं। तो यहाँ पे चिकन करी तो इतनी सारा पड़ी होती है, जैसे मतलब लाइनें लगी होती है कटोरों के कटोरों के कटोरों के कटोरों के कटोरों की। यहाँ पे जब ये रजिंदर का ढाबा था, ये पहले बिल्कुल छोटा सा वहाँ पे ढाबा था, छोटा सा, उसके बाद इन्होंने ये भी शॉप ली, और आज इस शॉप में इसकी 10 दुकानें हैं। 6-7 तो है ना, देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो, वो इसके पीछे। एक बात सही बोली आगे कि लोगों का टाइम आता है, इसका जमाना चल रहा है। क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसका जमाना चल रहा है। दिल्ली के अंदर भाई जब न्यू ईयर पार्टी होती है ना, गाड़ी यहीं आकर रुकती है। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं पार्टी में जा रही थी, मुझे नहीं मिली जगह, मैं यहीं आके खाऊंगा न्यू ईयर ईव पे। तो भाई चलते हैं और दिखाते हैं आपको भाई इनका वो होए वो चिकन करी, जिसको देख के ना वो में पानी आ जाएगा आपके। क्या आपने कभी सोची ना होगी। भाई साहब ये है भाई चिकन करी, ये लेग देख रहा भाई, ये यही तो लेग है भाई जिसको खाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं राजेंद्र का ढाबा। और ये इनकी द फेमस चिकन करी है, हमने लिया है भाई एक फुल चिकन करी ली है, जिसके टोटल 4 पीस आएंगे। ये देख, ये भी बड़ा है, वो वाला तुम सारा वो प्लेट दिखा रहे हैं, वो देख तो मैं अब कुछ मेरे को ना प्लास्टिक के डब्बे में डाल रहे थे, मजा नहीं आ रहा था, बट ये जैसे उन्होंने डाली पुराने उसके अंदर ये एक चीनी की रोटी, मजा आ गया। और एक लेग आता है, ये एक प्लेट हो गई भाई हमारी, ये ऐसे टोटल 4 पीस है तो हम दो में लगवा रहे हैं। ये भाई ये इसे कहते हैं भाई जन्नत, ये है भाई जन्नत जो हम खाने वाले हैं, वो देख दोबारा लगा रहे हैं, वो देख, ये देखो भाई, ओए होए, पवनीत कह रही है भाई आज तो दो दो चार तो मैं लपेट ही दूंगी। मतलब मुझे ये पता कि जो जो ये देख रहा है उसके मुंह में पानी तो आ ही चुका है, जो तो नॉन वेजिटेरियन इंसान है पक्का। मटन कोरमा, ओए होए, और ये आपका बटर चिकन है, ये बटर चिकन है, ये भाई इसको हिला के दिखाना, ये ये देखो भाई, ये शाही पनीर है, वो बटर चिकन देख भैया पीस दिखाओ। ओ भाई साहब, इनका चिकन करी और बटर चिकन भी बहुत फेमस है, बटर चिकन हम बाद में ट्राई करेंगे, और साथ में ये जी दाल मखनी, आइटम लिमिटेड है बट ऐसे टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा भाई। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, लेट नाइट आते हैं, राजेंद्र के ढाबे पे आना है तो आना है, मतलब आना ही है। ये तो लगवा लिया, खा रहे हैं बस, अभी जा रहे हैं एक जगह पे, लखनऊ जाना है और वहां से लेके आनी दलौटी। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे पीछे ऑलरेडी जो ऑर्डर्स है वो तैयार होते हैं, जो इनके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जाते हैं, चिकन करी के हो गए, बटर चिकन, ये हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया दाल और भेज दिया। तो ये मतलब कि प्री प्लान करके रखा हुआ इन्होंने कि भैया जैसे ही ऑर्डर आएगा सीधा डब्बा उठा दे दिया, क्योंकि क्यों, क्योंकि स्विगी जोमेटो पर भी आते हैं, इनकी पर्सनल डिलीवरी पर भी आते हैं। ये एक पैक हो गया पूरा, अब चलते सीधा लखनऊ और आपके लिए लगाते हैं बढ़िया सी गलौटी, गर्मा गर्म गलौटी कबाब आपके लिए पेश कर रहे हैं भाई राजेंद्र के ढाबे से। और भाई ये एक ऐसी प्लेस है, ये ऐसा एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आता है टिक्कू जी, बिल्कुल। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, गलौटी कबाब ना लोगों का काफी अच्छा नहीं होता दिल्ली में, बट बेस्ट पार्ट क्या है कि राजेंद्र का ढाबा, विच इज नॉट सपोज्ड टू बी अ फाइन डाइन प्लेस, का कमाल है बिल्कुल अपना गलौटी परांठा, और साथ में इनके उल्टे तवे का परांठा हो, थोड़े से प्याज हो, थोड़ी सी चटनी हो, क्या बात है। और अब साइज देखो, लुक एट द साइज ऑफ गलौटीज, एकदम मजेदार लगेगा आपको जब खाओगे ना भाई, मुंह में डालते ही घुल जाना है, सीधा कह रहा हूँ, इसीलिए तो इसे कहते हैं गलावट कबाब, यस गलावट कबाब ही कहते हैं इसलिए। आज पवनीत इतने नान खाएगी, इतने नान खाएगी
ये आपने कभी सोची ना होगी। वैसे आपको वैसे ये थारा भाई जोगिंदर की लैंग्वेज, थारा भाई तुम्हारे भाई। लेकिन एक बात है, आपको पता है पवनीत नान क्यों खाती है और हम परांठे क्यों खाते हैं? बिकॉज हम परांठा गोल होता है इसलिए हम परांठे खाते हैं, नान लंबा होता है इसलिए पवनीत नान खाती है। दैट वाज अ वेरी बैड जोक बट दैट वाज अ गुड जोक देन। थोड़ा डालना, ये इसे प्यार कहते हैं। ये प्यार आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रजिंदर के ढाबे में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और इसको ज्यादा पकाते भी नहीं है, ये इतना सॉफ्ट होता है भाई, मजा आ जाएगा मुंह में डालते ही। पूरी गली, पूरी गली रजिंदर ढाबे की है, ये पूरा मोहल्ला ही रजिंदर के ढाबे का मेरे को लग रहा है। मतलब भाई साहब 6 दुकानें हैं और हर दुकान का नंबर लिखा हुआ है, सब हर दुकान का नंबर लिखा है। आप टोकन लोगे, टोकन में लिखा होगा भाई आप 6 नंबर चले जाओ, आप 5 नंबर चले जाओ, 3 नंबर चले जाओ। टेबल पे लग चुका हमारा खाना पूरा का पूरा। अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको बढ़िया सा टेस्टिंग करके। शुक्रिया शुक्रिया। ये भाई ईद स्पेशल बन रही है हमारी, क्या क्या बन रहे हैं? खीर है जी, खीर मिल रही है। अरे सेवैया है, सेवैया। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। ये देख पूरा डोंगा भरा पड़ा, ये फ्री बांट रहे लोगों को क्योंकि आज ईद है। सो जी आज ईद का यहाँ पे अपना खीर सेवैया मिल रही है सबके लिए, तो हम भी ले। खाना खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, बिल्कुल उड्डा काम हो गया, वो भी ईद स्पेशल। क्या बात है, दूध कितना कड़ा हुआ, दूध का रंग देखो बिल्कुल लाल हुआ बढ़िया तरीके से। होए 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 भाई, देखो जी किस्मत में लिखा था हमारी आज यहाँ पे आना ईद वाले दिन। बचपन की याद आ गई, ये ऐसी चीज है ना, हम डेली बेसिस पे खाते नहीं घर पे, सच में बचपन भी याद आ गई। बचपन में खाते थे ऐसे गरम दूध में सेवैया डाल के, वाकई में मजा आ गया, मतलब अंदर दगना रोम रोम खुश हो गया। तो भाई ऐसा है कि सेवैया कर ली है टेस्ट, ईद बन चुकी है, अब हम चलते हैं और अपना पेट भर के अपना नॉर्मल खाना भी चलते हैं। अब पेट पूजा की बारी आ गई, पवनीत भी कह रही है यार वो नान खाने मुझे भी चले। आओ भाई अब ये देखो क्या क्या आया है, टिक्कू जी देख रहे हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चिकन करी जो आपने ऑर्डर की है, एक फुल प्लेट ऑर्डर की है, एक फुल है, और साथ में भाई गलौटी कबाब सीधा लखनऊ जाके लेकर आए हैं, और साथ में मुगलाई पराठा सलाद है, ये है जी इनका तंदूरी, और साथ में है जी चिकन बर्रा, और ये है जी इनका कलमी कबाब। तो करते हैं भाई टेस्टिंग स्टार्ट, क्योंकि अब पानी आ रहा है मुंह में बहुत ज्यादा। प्री स्टार्ट, क्या भाई साहब करण के नहीं उल्टा करियो भाई इसको, है उल्टा करना इसको। ये हुई बात सही, ये तो क्या बोल रहा है, क्या बात है। मैं शुरू करूंगा जी इस परांठे के साथ, गलौटी, बिल्कुल गलौटी के साथ भाई साहब। गलौटी दे यार, क्या एकदम सॉफ्ट, मतलब भाई ये थोड़ा है ना आधा किलो की गलौटी है, और ये लिया मैंने थोड़ा सा परांठा। ओ भाई साहब हल्का सा, ओ भाई ये कैसे, ये भाई पूरा मेल्ट, एकदम मेल्ट, ऊपर का क्रस्ट देख रहे हो। ओ भाई गलौटी कबाब, वाओ वाओ, ओवर एक्टिंग मत कर, पवनीत ने नहीं खाया, मेल्ट इन द माउथ नहीं है पवनीत, एक बार और नहीं, ओवर एक्टिंग, लुक हू इज टॉकिंग। 50 रुपए कट करो, हाँ 50 रुपए कट करो। अच्छा मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन जो अपना खाना है, जो इसका अपना गलौटी कबाब है, आई रिपीट दिस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट गलौटी कबाब दैट यू कैन फाइंड इन इंडिया, नॉट ओनली इन दिल्ली। भाई सीरियसली लखनऊ जाने से अच्छा मैं यहाँ पे आया हूँ, इतने दूर ट्रेवल ना करूँ, अपने दिल्ली के अंदर ही मिलता है भाई द बेस्ट गलौटी कबाब। ये देख भाई, ये देख चिकन करी, ये भाई ये पीस यहाँ की जान है, जो भी कोई बंदा आता है ना चिकन करी करता ऑर्डर, और ये गया भाई सीधा पेट में, पहले मुंह में, वो आप मतलब नेक्स्ट लेवल है ये, मतलब इसको खाने के बाद ना मन कर रहा यही खाता रहा बंदा। एक काम करता हूँ मैं, शिफ्ट करता हूँ, मैं आता हूँ जरा अपनी चिकन टंगड़ी के ऊपर, आराम से नान तोड़ के थोड़ा सा बर्रा चिकन का पीस लेके उसको अच्छे से ग्रेवी में डिप करके, डिप करके उसको थोड़ा सा प्याज, थोड़ा और प्याज डाल के ये बन गई भाई बाइट। ओए होए, और ये देख भाई बर्रा, लालच में कुछ ज्यादा ही बड़ी बाइट बन गई थी मेरी, ऐसा लालच अगली बार नहीं करूंगा।
भाई साहब ये खा के देखो भाई, बड़ा मजा आ रहा है। वेरी गुड। सीरियसली मैंने यहाँ पे आके ना हमेशा यही दो चीज़ें ऑर्डर की है, बट बर्रा इज सुपर गुड। आप खा के देखो। ये वो है जिसके बाद आपको ड्रिंक चाहिए, मतलब इन केस यू लव टू ड्रिंक बियर, रम, विस्की, वोडका, कुछ भी हो, लेकिन घर पे घर पे हाँ यहाँ पे नहीं। बट यू नो दिस इज लाइक यू नो परफेक्ट मैच है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है आपके अपना ड्रिंक के साथ, ड्रिंक्स के साथ। लेकिन घर पे डोंट ड्राइव एंड ड्रिंक, ओके? और कारोबार भी नहीं, ये है बस, अपना अपना घरोबार करो, घर मंगाओ, अपने वहाँ पे खाओ पियो, कैश करो, इससे बेटर नहीं मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर फूड। तो भैया जी ये था हमारा आज का वीडियो, और ये थोड़ा सा नीमन जोड़ते इसी बात पे हम, और उठा लो जी कलमी कबाब, बटर देख रहे हो बटर, ये देखो, ओ भाई साहब टपक रहा है बटर। लो जी लास्ट बाइट, और हम चले कहीं और। आप जल्दी से प्रोग्राम बनाओ अपने उन दोस्तों का जिनके यहाँ पहले आते थे रजिंदर के ढाबे पे, प्लान बनाओ अगर आपको रोक दिया। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। चीयर्स।